आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी परेश लांबा के साथ। हम लगातार सुबह से अब तक हर अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। दीपेंद्र से बातचीत करवाई, भूपेंद्र हुड्डा से हमने आपको बात उनकी बात सुनवाई, उसके बाद हम बलराज कुंडू से आपको मिलवा चुके हैं। अब हमारे साथ मौजूद है, पहले हम के नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जीता हुड्डा फार्म हाउस, प्यार से इनको जीता भी बोलते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। और ये सशक्त टिकटार्थी थे, ऐन मौके पे सुबह 10 बजे तक भी इनकी टिकट लगभग कांग्रेस से फाइनल मानी जा रही थी, और इन्होंने अपनी तैयारी भी पुरजोर कर रखी थी। ऐन मौके पे क्या हुआ, कैसे टिकट इनके हाथ से गई, वो तो पहले की बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी जानेंगे। लेकिन उसके बाद से जीता हुड्डा ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, ये किसके साथ जा रहे हैं? ना इन्होंने कांग्रेस के बगावत की, ना इन्होंने ये कहा हम सपोर्ट करेंगे खुल के, या इनके साथ जाएंगे जो भालू, जो इंदुराज नरवाल जिनको बोलते हैं, हम उनके साथ जाएंगे, ये भी नहीं कहा इन्होंने। तो इनका जाना बहुत ज़रूरी है, इनका ऑफिस नहीं है, ये इनका मकान है। हम दिखाना चाहेंगे प्रिंस लामा को कहीं पहले, तो यहाँ पे ये ऑफिस नहीं है कांग्रेस का। आप ये समझ रहे हैं कि जीता हुड्डा को टिकट मिली है, यहाँ इनके सपोर्टर, लेकिन यहाँ बिगर टिकट मिले भी सुबह से शाम तक किस तरीके से यहाँ गैदरिंग है, चारों तरफ पूरा हॉल अंदर खचाखच भरा रहता है, और यहाँ लोग सुबह से शाम तक खाना खाते हैं, उनको टिकट नहीं मिली हुई। फिर बताना चाहूँगा, आप सोच रहे हो यहाँ पे ये प्रत्याशी या चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा है। और इनके पिताजी 3 योजना लगातार यहाँ से जीते हैं। अब की बार टिकट ना मिलना कहने की दुख की बात तो इनको जरूर होगी। तो आज मेरे साथ रूबरू हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पहुँचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पे पहुँचे, इनका कहीं दुख अपनों को मनाने के लिए, इनको कहीं ना कहीं समझाने के लिए, क्या बातें हुई उनके साथ इनकी। अब ये हमारे साथ बातचीत में खुल के आए हैं जीता हुड्डा, तो इनसे जानते हैं इनकी प्रक्रिया, क्या वास्तव में ही ये इंदुराज नरवाल का अब समर्थन करेंगे, या फिर अब भी कुछ संशय बाकी है दीपेंद्र हुड्डा आने के बाद, दीपेंद्र हुड्डा और उनके दोनों पिता पुत्र यहाँ आने के बाद भी, अब इनका रुख किधर है? इनका रुख भी बहुत जानना जरूरी है। इनके रुख के बगैर भी जीतना कांग्रेस का संभव सा माना जाएगा, इनसे जानते हैं। जी, क्या कहें? ऐसा है, सबसे पहले मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस पार्टी में मैंने टिकट मांगी, टिकट मेरा अधिकार था, और टिकट मांगना सबका काम है, सबका काम होता है। अगर टिकट ना मिले तो जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे उसका समर्थन करना भी सबका काम है। तो मैं ने ना ही तो विरोध किया ना ही समर्थन किया था, अब तक मैं अपने घर पर बैठा था, सभी मेरे कार्यकर्ता घर पर बैठे थे। आज कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आए, और उन्होंने विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाया, उनके पुत्र भी आए थे, और उनके पुत्र भाई दीपेंद्र हुड्डा, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, उन्होंने विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर हमारे को मान और सम्मान ना देगी तब भी हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की खिलाफत नहीं करेंगे। और आज उन्होंने कहा भाई मान सम्मान भी देंगे, ये उनकी भी अच्छी बात है। तो हमने भी विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बरोदा हलका से, बरोदा हलका के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करके विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाया है कि अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को इतनी भारी बहुमत से यहाँ से विजय दिलाएंगे कि बीजेपी की पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे, ये हमने पूरा विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाया है। जीतू भाई, हम जीतू बोल सकते हैं आपको? बिल्कुल जीतू बोल सकते हैं। तो जीता भाई, मैं आपको एक बात जानना चाहूँगा, आपको टिकट नहीं मिली तो काफ़ी दुख था उस समय आपको? देखो, 4 बार कांग्रेस पार्टी से मेरे पापा विधायक रहे हैं,
तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है। चार बार लगातार विधायक रहने के बावजूद अगर किसी कारणवश कोई मजबूरी होगी, किसी कारणवश अगर टिकट नहीं मिली, स्वाभाविक है भाई, थोड़ा दुख आता है, लेकिन हमें दुख के साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि पीछे चार बार जब विधायक हमने, मेरे पापा जी, वो भी कांग्रेस की देन थी। तो टिकट आनी जानी चीज होती है, पद और सत्ता आनी जानी चीज होती है। हम जो काम करते हैं समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। समाज की सेवा कोई एमएलए पद रहते नहीं, बगैर एमएलए पद भी की जा सकती है। समाज की सेवा और कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका मान और सम्मान करने के लिए हम दिन रात यहाँ गुआना रहेंगे, दिन रात बड़ौदा हल्का में रहेंगे, और किसी भी कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और किसान और मजदूर के लिए अगर उन्होंने हमारे पसीने की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए खून देने के लिए भी तैयार रहेंगे। जेतु भाई, जब से पर्चा दाखिल किया है इंदुराज ने, उनका नॉमिनेशन हुआ है, ऊपर से नाम आया है, जब तक उसके बाद से आप ओपन नहीं थे साहब, ना आपने हाँ कहा ना कहा, आप यहाँ बैठे हैं चुपचाप, आपके समर्थन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे रहते हैं पूरे दिन, आपके इस गांव में सब अच्छे खासे सपोर्टर हैं। तो आज पिता पुत्र दोनों यहाँ मौजूद हुए हैं, दीपेंद्र भी, भूपेंद्र हुड्डा भी, तो काफ़ी बातें हुई हैं आपकी। तो अब जो मलाल था आपके दिल में, जो दुख था, क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? अब आप कति ओपन अपने कार्यकर्ताओं के साथ सपोर्ट में गांव-गांव में वो इंदु जो नरवाल हैं, क्या उनके साथ नज़र आएंगे? देखो, ये आए, इनका हम स्वागत करते हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का, और जो कह रहे, मेरे को मन में दुख था। देखो, टिकट मिले या ना मिले, मेरे मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं एक सच्चा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो सच्चा पार्टी का कार्यकर्ता, उसको दुख नहीं होता, उसको काम करने से मतलब होता। हम यहाँ बैठे थे, हमें टीस थी, चुनाव है, हम काम करें, तो हम बैठे थे, हमने खिलाफत भी नहीं करी, हम अपने घर पर बैठे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे, दुख वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, एक टीस थी भाई, बीजेपी की, बीजेपी ने जो किसानों के ऊपर इतने घोर अत्याचार करे हैं, बीजेपी ने जो किसान के पेट पर लात मारी है, इसका बदला लेने का समय है। बीजेपी ने जो पिपली के अंदर किसानों को लाठी से पीटता था, उसे एक लाठी का बदला लेने का टाइम है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, इस बात का दुख था। आज ये आए हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने पूरे दिल से मेरे साथ बात की है, पूरा मान सम्मान देने की बात की है। अब वो टीस, वो दर्द जो बीजेपी के खिलाफ था, उसको गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके उस टीस को लोगों को बताएंगे, और बताएंगे लोगों को कि ये बीजेपी किसानों के लिए कितनी बड़ी दुश्मन है, और कांग्रेस किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, और ये बीजेपी को दिखाएंगे पीपली में जो किसानों के ऊपर लाठियां लगाई थी, एक एक लठ का बदला बड़ौदा उपचुनाव के अंदर, एक एक वोट से लेकर के दिखाएंगे, और बताएंगे कि सत्ता कुछ नहीं है, असली सत्ता जनता के हाथ में है, और इस प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, भारत देश से नरेंद्र मोदी को उखाड़ने का काम करेंगे। जीता जी, पूरा हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की नजर इस बड़ौदा के उपचुनाव पे लगी हुई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल तक पत्ते स्पष्ट नहीं थे, डॉक्टर कपूर नरवाल ये सशक दड़ा था, वो अगर फार्म नहीं खींचते तो बहुत मुश्किल राह होती आपकी, आपका भी बहुत लंबा चौड़ा धड़ा है, आप अगर साथ नहीं आते तो भी बड़ी मुश्किल राह थी। लेकिन जब तक बीजेपी खेमे में कहीं की खुशी नज़र आ रही थी, आप अलग थे, जब तक वो कुछ लोग कह भी रहे थे दुबी जोना गांव में, कहीं ना कहीं बीजेपी जीत सकती है, परंतु आज जो ही आप साथ आए हैं खुल के, डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना पर्चा वापस ले लिया जो नॉमिनेशन किया था, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ किया है, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी की राह बहुत मुश्किल है, और आप का नज़रिया जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है
अगर डॉक्टर कपूर नरवाल फार्म नहीं खींचते और आप साफ आप साथ नहीं आते आपका धड़ा, तो क्या सिचुएशन होती उस समय? देखो, वो उस समय डॉक्टर कपूर अगर चुनाव लड़ते और हम भी अपने घर पर बैठे रहते, उस समय क्या होता, ये भविष्य की बातें हैं। इन चर्चाओं में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, इतना जरूर आपको बताना चाहता हूं, आज जिस तरह डॉक्टर कपूर नरवाल मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर कपूर नरवाल ने पर्चा वापस लिया है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि दिन रात मेहनत करके कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे, तो आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके बीच में कि जीत कोई बुढ़ा मुद्दा, जीत तो है, जीत तो आज निश्चित हो ही गई। अब तो जमानत जब्त कराने का काम करेंगे बीजेपी का, जमानत जब्त कराएंगे। तो कल से चुनाव में आप और आपके सपोर्टर नजर आएंगे साथ इंदुराज नरवाल के? नहीं नहीं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आदमी जो बैठे हैं, कार्यकर्ता जो बैठे हैं, इससे 3-4 गुना ज्यादा कार्यकर्ता हमारे गांव में निकल चुके हैं जो अब बूथ स्तर तक काम करेंगे। और आज चुनाव नहीं, अब तो एक लहर चल पड़ी। इस लहर में इतनी बड़ी लहर चलेगी अबरोधा हल्का से, ये लहर हरियाणा प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जीता जी, आपको ऑफिस यहाँ पे कांग्रेस का नहीं है, फिर भी यहाँ ऐसा माहौल है, दिख रहा है जैसे कांग्रेस का ऑफिस है, कोई बड़ा कार्यालय बनाया हुआ है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, आपके सपोर्टर चाय पीते हैं, पूरे दिन आराम भी करते हैं, या वास्तव में कांग्रेस का ऑफिस कार्यालय बनाया हुआ है, या फिर ये आपका खुद का आप नहीं है? ये जो ऑफिस है, ये तो ना मेरा ना और किसी का है। ये ऑफिस चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा ने बरोदा हल्का के किसान और मजदूर के लिए बनाया है और ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ का जो किसान और मजदूर शहर में आएगा, उनकी सेवा के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए ऑफिस है और ये ऐसे ही था, ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर। तो जीता हुड्डा जी, क्या कहेंगे जनता जनार्दन को? आपके सपोर्टर भी देख रहे हैं गाँव में। भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी जो तानाशाह सरकार है, इसकी जमानत जब्त कराने का काम करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, भाई चुनाव है, चुनाव के अंदर हमारे किसान भाई जल्दी आ जाते हैं, कभी खाना बनता घर पे, कभी नहीं बनता, क्योंकि किसान और मजदूर है, उसके घर पर टाइम नहीं होता बहुत, वो काम करता रहता है, काम करता तो उसको रोटी मिलती है, काम करता तो उसको फीस मिलती है, काम करता तो उसको कपड़ा मिलता है, तो वो चुनाव में आते हैं तो कहीं पे हमने एक सुविधा यहाँ करी है, चाहे कोई भी आए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमने यहाँ पर 24 घंटे खाना यहाँ पर सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी आदमी आएगा तो उनके लिए खाना यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि ये जो ऑफिस है, ये लोगों का ऑफिस है, बरोदा हल्का के 36 बिरादरी का ऑफिस है। ये ऑफिस कोई मेरा ऑफिस नहीं है, ये गुहाना और रोहतक के जो लोग हैं उनका ऑफिस है। यहाँ चुनाव तक है, चुनाव के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। खाना भोजन ये तो घर परिवार की बात है, इन नगा चून, इन नगी रोटी, आड़े पौधे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जेता जी, काफी तीखी बातें हैं, मैं अब नहीं करना चाहूँगा आपसे, फिर कभी चुनाव के बाद जरूर बातचीत होगी हमारी। तब तक के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे गांव में, हर दौरे पे, हर जगह। तो जब तक के लिए आपका धन्यवाद, हमसे बातचीत किया आपने। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे भी जानेंगे, यहाँ पे सपोर्टर बने हुए हैं, तो हाँ क्या कहेंगे? भाई साहब, हम भाई जीता हुड्डा के साथ हैं बहुत सालों से, और जैसे भाई साहब जीता हुड्डा कहेंगे हम ऐसे करेंगे, और अब हम बीजेपी को उखाड़ फेंकने काम करेंगे यहाँ से। और जो यहाँ पे हमारे जो इंदुराज नरवाल हैं, उसको बहुत भारी मतों से जिताने काम करेंगे। इंदुराज नरवाल जी, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, कोई नहीं, आप भी आ जाओ। हाँ, पहले क्या क्या कहेंगे? पहले मेरा जी लीला पलवन गाँव भैंसवान से, और दी हम हुड्डा साहब के कट्टर, जो यहाँ से हमारे चाचा कृष्ण हुड्डा जी गए, 3 बार यहाँ से विधायक बनाए, बहुत बढ़िया सोई आदमी थे, और जीते ने ना पार्टी छोड़ी, और ये कहा भाई कहीं नहीं जाना, हुड्डा साहब भी साथ रहना है, ये तो टिकट आती जाती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम इन्हें साथ से,
और दी एक और सुनो, जो हुड्डा साहब ने कही दी तीन जो सारे जिक्र उठाए कि जब भी इस अन्नदाता के ऊपर लाठियां उठी हैं तभी पतन हुआ है। जब अंग्रेजा टाइम में भी गोलियां चली थी, पतन आदेश चौधरी छोटू राम उतारा था, परमात्मा हमारा भगवान और खाला, फिर ना सोना टाइम आ गया, फिर चौधरी चरण सिंह आ गया, उस नानिया संभाले, फिर चौधरी देवीलाल आ गया, उन्हें संभाला ही भूपेंद्र हुड्डा आ गया हमको जीवाने के लिए, जीवाने के लिए। हाँ जी, और देखो आज हमको एक शर्म की बात आवा है। हाँ जी, आज वो दीप वो बैठा है ना उसके गोड्या में यो दुष्यंत, अरे आदमी ने शर्माने से अरे धरती पुत्र का न्योका है, मैं उसका पड़पोता और दे देना इस्तीफा बगा दे तेरे को शर्मा, तुम्हारे किसान भाई रोड़ा पेटने लाग रहे, अरे धान दे मारे मंडी में पेटे और खेत में मारे बालक भूखे रोने लाग रहे, अरे दे इनको शर्म आनी चाहिए, अरे दे भूपेंद्र हुड्डा जी आगे किसाना कर्जा माफी से न कर साढ़े 600 रेट तक ही मांगा, अंत किसान ने बोले आधार करे आधार ठोके दान 22 18 दे 5000 ठोके। तो आप जहाँ जीता जाएगा वहाँ कहेंगे वोट डालेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल वहीं डालेंगे हम वोट डालेंगे। क्या कहोगे जी? ऐसा है जी, विरोध दल का तकरीबन मारे जीते भाई जिसका कैंडिडेट नहीं था विरोध दल, जीता भाई को टिकट नहीं मिली ना, वो कोई कल ये नहीं है ना इसने, वो तो बता रहा हूँ ना, त्यागी आदमी है, दुनिया की सेवा कर करा जी रहा, पर आज अलकैन के साथ था वो सारा अलकैन के कहने पर हुड्डा साहब के साथ लग लिया है और बढ़िया जीत होगी, बढ़िया जीत जीते के कहने पे। क्यों जी बन जी क्या कहेंगी? जीता भाई ने समर्थन दे दिया और अब यहाँ चुनाव मैदान में नजर आएंगे अपने सपोर्टरों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। हाँ जी बिल्कुल दे दिया, और इन्होंने तो पहले त्याग करना ही सीखा, पहले इनके पिताजी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लिए त्याग किया और आज जीता भाई ने भालू इंदुराज नरवाल के लिए त्याग किया, और जैसा इनका आदेश होगा सारे कार्यकर्ता बरोदा हल्के में घुसकर गरीब किसान मजदूर के अत्याचारों का बीजेपी सरकार से एक एक वोट देकर बदला लेगी। क्यों जी क्या कहेंगे? मैं आजाद सुख खानपुर खुद से, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और जितना उड्डन भाई ने उस दिन अंधे कह दिया था टिकट नहीं मिला, भर कहीं नहीं जाना है, कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी है, टिकट तो आज निकल 3-4 बार बन लिया हम। क्यों जी? हाँ जी क्या अंदर जी जीता हुड्डा के साथ है, और ये दूसरी बात ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमेशा रहेंगे और हम जो तन मन से उनकी सेवा करेंगे। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं आज स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, आकलन लगाया जा रहा था जीता हुड्डा इंदु नरवाल के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन खुल के समर्थन में जीता हुड्डा इंदु नरवाल जो भालू हैं उसके समर्थन में आ चुके हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों यहाँ काफ़ी समय रहे हैं, उनकी काफ़ी बातचीत हुई है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं दुख था उनको साफ कर दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे आके, और अब कल से कहा है जीता ने कि मैं हर गांव में मेरे कार्यकर्ता और सपोर्टरों के साथ नजर आऊँगा और हर बूथ तक जाएंगे, और बीजेपी की राहें कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र होती आ रही हैं। आज हुड्डा दोनों पिता पुत्र ने यहाँ पे आके पासा पलट दिया, जीता हुड्डा के पास पहुँचे इनको मनाया, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर हमारे चैनल को आपने पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख ले यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नई अपडेट के साथ हम बड़ौदा चुनाव के साथ बने हैं और बने रहेंगे, थोड़ी देर में हम फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।